Hello, welcome to Judici Gold. Here we are going to discuss August 2023's current affairs events. Important events, but before we start our discussion, there are certain important days जो कि हर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज होते हैं. इसमें कई बार बच्चों ने कहा भी कि सर दीज डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन. सो बिफोर वी स्टार्ट आर डिस्कशन ऑन द इवेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट डेज ऑफ मंथ ऑफ अगस्त 2023. हमारा जो पहला दिन है और दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इटसेल्फ, दैट इज फर्स्ट ऑफ अगस्त. तो फर्स्ट ऑफ अगस्त जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज WWW वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम लोग लिखते हैं ना बिगिनिंग में, आजकल कई बार नहीं भी लिखते हैं, बट WWW जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी शुरुआत जो की गई थी दैट वॉज डन ऑन 1st of August 1991. 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी बाय टिम बर्नर्स ली. टिम बर्नर्स ली ने बेसिकली स्टार्टेड जो हम लोग बोलते हैं ना बिगनिंग, एक तरीके से कंसेप्टलाइज को किया गया, तो कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट की जो बात करें तो इन 1989 में सोचा गया था. 1991 में ऑन दिस पर्टिकुलर डे ही वेंट ऑन टू रिवील दिस, रिलीज द कोड टू द पब्लिक, है ना. एंड दिस वॉज द बर्थ ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब की यहाँ पर शुरुआत हुई थी. तो पहला दिन जो होता है 1st अगस्त वर्ल्ड वाइड वेब डे, स्टार्टेड बाय टिम बर्नर्स ली इन 1991, राइट. इसके बाद में हम जो सेकंड डे देखते हैं दैट इज हिरोशिमा डे, नॉट सेकंड डे एग्जैक्टली, हिरोशिमा नागासाकी. देखिए हमें मालूम है दो इंपॉर्टेंट सिटीज होती थी जापान की, और इन दो सिटीज में यूएस द्वारा, अमेरिका द्वारा हमला किया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब वहां गिराए गए थे. फर्स्ट वॉज हिरोशिमा on 6th of August 1945, second was Nagasaki on 9th of August 1945. ये दो न्यूक्लियर बॉम्ब जो ड्रॉप किए गए उसके बाद में दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर. उसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी. तो फर्स्ट वॉज हिरोशिमा डे 6th of August 1945, है ना. इसको हर साल जो हिरोशिमा डे की तरह मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, 1945 जापानी सिटी ऑफ हिरोशिमा, राइट. द डे एम्स टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर. मतलब ये दो दिन जो है ये दुनिया को याद दिलाते हैं कि यदि न्यूक्लियर आगे युद्ध होते हैं, न्यूक्लियर वॉरफेयर अगर होता है तो दिस इज द डेवास्टेशन द वर्ल्ड में फेस. मतलब ये दो दिन अपने आप में इसकी याद दिलाते हैं कि इन्हें रिपीट नहीं करना है. दैट इज समथिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू डेज आर. अब यहाँ पर जो पहले दिन की हम बात करें 6th अगस्त 1945 हिरोशिमा डे, उसमें 1,40,000 लोग मारे गए थे, 1,40,000 पीपल डाइड इन दिस पर्टिकुलर ब्लास्ट, राइट. इसके बाद में जो नेक्स्ट डे होता है, इसको पहले इसको स्पेसिफिकली देखें तो 6th अगस्त 1945 हिरोशिमा सिटी अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 पीपल डाइड. एनोला गे वॉज दिस पर्टिकुलर प्लेन जिसका यहाँ इस्तेमाल किया गया था, और ये फाइनल स्टेज ऑफ वर्ल्ड वॉर की बात की गई है, राइट. और दूसरा ये ध्यान रखें कि इन दोनों बॉम्ब्स के नाम थे, उनको स्पेसिफिक कोड दिया गया था. एंड दिस फर्स्ट वाज लिटिल बॉय, पहला क्या था, लिटिल बॉय वाज द कोड फॉर द फर्स्ट बॉम्ब जो पहला गिराया गया था हिरोशिमा वाला. दूसरा जो था दैट वाज नागासाकी. तो नागासाकी डे जो है वो 9th अगस्त होता है, और दूसरा जो बॉम्ब था उसका नाम था फैट मैन. तो पहला वॉज अ लिटिल बॉय, हिरोशिमा लिटिल बॉय, नागासाकी फैट मैन, जो 9 अगस्त को गिराया गया था. तो उस दिन होता है नागासाकी डे, है ना. 9th अगस्त इज ऑब्जर्व एज नागासाकी डे की तरह, 9th अगस्त को ऑब्जर्व किया था. यहां पर था बोइंग B-29 सुपर फोर्टेस बॉम्बर बॉक्स कार, राइट, और 60,000 पीपल डाइड इन दिस. तो ये दोनों दिन ये दर्शाते हैं कि यदि आगे जाकर वर्ल्ड वॉर या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किए जाते हैं, तो दीज टू डेज शोज द डेवास्टेशन आर वर्ल्ड कैन फेस. दैट इज वाई दीज टू डेज आर इंपॉर्टेंट. हिरोशिमा डे 6th अगस्त, नागासाकी डे 9th ऑफ अगस्त. इन दोनों देशों के दोनों देश के बीच में एक डे आता है नेशनल हैंडलूम डे, है ना. अब हैंडलूम की हम बात करें तो इट इज रिलेटेड टू आर हिस्ट्री, इट इज रिलेटेड टू आर फ्रीडम मूवमेंट. और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन छेड़ा गया था. तो 7 अगस्त 1905 उस पर्टिकुलर डे की याद में August 7 जो होता है वह नेशनल हैंडलूम डे की तरह अनाउंस किया गया इन ईयर 2015, 2015 में इसे अनाउंस किया गया था. तो 7th अगस्त इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल हैंडलूम डे. अनदर डे बिटवीन 6th एंड 9th इज 8th ऑफ अगस्त. 8th ऑफ अगस्त होता है आसियान डे, आसियान दिवस. आसियान क्या है, आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ये अपने आप में एक ग्रुप ऑफ नेशन है जिसमें 10 देश शामिल हैं. 10 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ आसियान. इनकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से, और तब जो थे देवर 5 कंट्रीज,
इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड से आसियान की शुरुआत 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुई थी। बाद में इट वाज ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया ज्वाइन लेटर। कंबोडिया वाज द लास्ट नेशन टू ज्वाइन इन 1999। तो अब तक इस पूरे ग्रुप में केवल 10 ही देश हैं। आगे जाकर ईस्ट टिमोर, जो यंगेस्ट नेशन ऑफ एशिया इसको कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट, मे बी इन टाइम टू कम, राइट। मतलब इन प्रिंसिपल उसे अप्रूव कर दिया गया, अभी मेंबर नहीं बना है। तो ओनली 10 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ आसियान, और आसियान डे इज 8th of August, 8 अगस्त को आसियान डे मनाया जाता है। दिस ग्रुप ऑफ 10 नेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इनको बोलते हैं, और दे आर टुगेदर, इनका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, रीजनल स्टेबिलिटी अमंग इट्स मेंबर। ये मोस्टली जो पुराने कॉलोनियल पावर्स थे उनसे आजाद हुए देश बाद में जाकर इकट्ठा हुए, उनके द्वारा आसियान ये एक अपने अपने ग्रुप बनाया गया। इसकी शुरुआत 1967 8 अगस्त हुई, 8 अगस्त बिकम्स दी आसियान डे। आगे बढ़े तो हमारा आता है 12th of August, दैट इज इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे 1999 में इसे डिक्लेयर किया गया था बाय यूएनजी, और 12 अगस्त 2001 से पहली बार इसको मनाया गया था। मतलब दैट वाज द डे, फर्स्ट डे दिस इंटरनेशनल यूथ डे वाज सेलिब्रेटेड। इस साल की थीम होती है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, है ना, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड इज द थीम फॉर दिस ईयर्स इंटरनेशनल यूथ डे। के बाद आता है सद्भावना दिवस, दैट इज हार्मनी डे। हार्मनी डे सद्भावना दिवस बोलते हैं, दैट इज ऑब्जर्व ऑन 20th अगस्त एवरी ईयर। 20 अगस्त जो होता है वह राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। राजीव गांधी जो हमारे छठे प्राइम मिनिस्टर थे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1984 आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, और टिल 1989 ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1991 में इनकी इनका भी असैसिनेशन हुआ था, इन 1991 इन श्री परम्बदूर तमिलनाडु। ही वेंट देयर फॉर अ पॉलिटिकल कैंपेन, और वहां पर एलटीटी कैडर द्वारा बॉम्ब ब्लास्ट में इनकी हत्या की गई थी। सो जो 21 मई द डे ऑन व्हिच ही वाज असैसिनेटेड इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी टेररिज्म डे, एंड हिज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड एज सद्भावना दिवस। तो बर्थ एनिवर्सरी हार्मनी डे एंड डेथ एनिवर्सरी एंटी टेररिज्म डे, राइट। तो सिक्स जो सॉरी यहाँ पर एट्थ जो सॉरी 20th of August जो होता है, कुड नॉट राइट इट हियर, ध्यान रख लीजिए, एक सद्भावना दिवस जो होता है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है, राइट। तो 20 अगस्त शुड बी द मतलब इट इज ऑब्जर्व एज सद्भावना दिवस। इसके बाद आगे बढ़े तो यूक्रेन से इंडिपेंडेंस डे। यूक्रेन जो है, आई एम नॉट सेइंग कि दिस डे शुड बी रिमेंबर्ड फॉर, मतलब इंडिपेंडेंस डे ऑफ एवरी नेशन शुड बी रिमेंबर्ड, बट बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन रशिया वॉर, है ना, यूक्रेन रशिया वॉर जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है, इस ताल्लुक में न्यूज में होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यूक्रेन से इंडिपेंडेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन, इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th of August। 24th August 1991 को यूक्रेन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसएसआर, ना यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था, जो 15 देशों का समूह था, 15 कंट्रीज वर देयर, 15 कंट्रीज वर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, राइट। सो उनमें से यूक्रेन वॉज वन नेशन। इंडिपेंडेंस ऑन 24th अगस्त 1991 इनका इंडिपेंडेंस डे होता है, राइट। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आता है 26th of August विमेंस इक्वलिटी डे। ध्यान रखिएगा, विमेंस डे 8 मार्च आता है, विमेंस इक्वलिटी डे जो आता है वो अगस्त 26, राइट। अगस्त 26, 1920 अमेरिका में जो वोटिंग राइट्स जो है, महिलाओं को वोटिंग राइट दिए जाए, उसकी शुरुआत हुई थी। तो 1920 19th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन wherein women granted women right to vote, a significant milestone in the fight for gender equality, and that is the reason इसे women's equality day की तरह observe किया जाता है। फिर हम आते हैं तो दो important day are left, एक बचता है 29th अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो होता है वो होता है मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी, राइट। मेजर ध्यानचंद जो थे वह दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉकी प्लेयर थे, बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड। एंड बिटवीन 1928 एंड 1936 देर वर थ्री ओलंपिक्स, एंड ऑल द थ्री ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी केम टू इंडिया बिकॉज ऑफ मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी 29th of August इज ऑब्जर्व इन आर नेशन एज नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि 2012 से मनाया जा रहा है। मतलब 2012 में पहली बार मतलब गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया गया था, तब से यह दिन जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह, खेल दिवस की तरह हमारे देश में मनाया जा रहा है। और मैंने आपसे कहा 1928, 1932 एंड 1936 वर 3 ईयर्स व्हेन मेजर ध्यानचंद वाज पार्ट ऑफ इंडियन हॉकी टीम, एंड वी वेंट ऑन टू विन दी हॉकी गोल्ड। भारत द्वारा 8 बार हॉकी गोल्ड जीता गया है, लास्ट वाज इन 1980, बट 28, 32, 36 में 3 दफा लगातार हमारे द्वारा हॉकी गोल्ड जीता गया था।
हैड इट बीन 1944 शायद हम लोग तब भी जीत जाते, बट इन 2 वर्षों में ओलंपिक सस्पेंड कर दिए गए थे, नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। सो ये 3 गोल्ड है वो मेजर ध्यानचंद द्वारा हमें मतलब दिलाए गए थे, जिताए गए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है इसी दिन 2018 में खेलो इंडिया की शुरुआत की गई थी। 2021 में नेशनल सॉरी मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड कर दिए गए। अर्लियर दे वर नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आफ्टर 2021 दे आर बीइंग दे वर रीनेम टू दे वर नेम टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, राइट। तो ध्यान रखना है हमें। फिर जो लास्ट इंपॉर्टेंट डे आता है दैट इज वर्ल्ड संस्कृत डे। अभी ध्यान रखिए इस बार 31 अगस्त को मनाया गया था, बट संस्कृत दिवस जो होता है वह 31 अगस्त कोई डेफिनेट डेट नहीं है। संस्कृत दिवस जो होता है वो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, मतलब रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। सो इस बार रक्षाबंधन जो थी वो 30 अगस्त मनाया गया, बट बिकॉज 2 दिन मनाया जा रहा ना तो फिर 31 को इट वॉज संस्कृत दिवस मनाया गया था। लास्ट ईयर 12th of August वॉज द संस्कृत डे। तो नॉट एग्जैक्टली 31 अगस्त हर बार आता है, इस बार आया था किस बार श्रावण पूर्णिमा जो थी वह 31 अगस्त को थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1969 में पहली बार संस्कृत दिवस मनाया गया था। नाउ हर श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीज वर द डेज विच शुड हैव बीन डिस्कस्ड। इसके बाद में हम जब न्यूज पर आते हैं तो एन इम्पोर्टेंट न्यूज सेज कि हमारे देश में टाइगर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज टू 3682। हमने पहले डिस्कस किया है कि 3167 टाइगर्स जो है वह 4 साल का जो एक सर्वे होता है टाइगर सर्वे, उसमें 3167 दिस टाइगर काउंट वॉज कोट किया गया था, बट दैट वॉज द मिनिमम टाइगर काउंट की तब बात की गई थी। ओवरऑल मिनिमम मैक्सिमम मतलब उसको एवरेज के ताल्लुक में देखा जाए तो 3682 इज द फाइनल काउंट दिया गया है फॉर ईयर 2022 सर्वे। अर्लियर लास्ट सर्वे में इट वॉज 2967, तो अराउंड 600 मोर देन 600 इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टाइगर्स इन आर नेशन। वी आर द कंट्री विथ मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, और हमारे देश में दुनिया की टाइगर पॉपुलेशन का 75% मोर देन 75% टाइगर पॉपुलेशन हमारे देश में पाई जाती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है 785, फॉलोड बाय कर्नाटक 563 एंड उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र। देर आर 54 टाइगर रिजर्व, मतलब 53 यहाँ दिए गए, वन मोर टाइगर रिजर्व इज कमिंग अप इन राजस्थान। तो आउट ऑफ दिस 54 टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वह इन कॉर्बेट नेशनल पार्क, फॉलोड बाय बांदीपुर एंड नागरहोल। दीज आर द 3 टॉप नेशनल पार्क, एंड मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड उत्तराखंड आर द टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। इंडिया इज होम टू मोर देन 75% ऑफ वर्ल्ड टाइगर, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखें तो वर्ल्ड टाइगर डे जो होता है वो 29 जुलाई, लास्ट मंथ की बात करें तो वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 में रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में दिस वाज वन कॉन्फ्रेंस, जो एक कॉन्फ्रेंस वहां पर की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के जितने भी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं दे पार्टिसिपेटेड, एंड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस जो दिन था दैट वाज 29th of July। तो 29th of July जो होता है वो वर्ल्ड टाइगर डे की तरह मनाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़े तो भारत एनसीएपी, एनसीपी का मतलब होता है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस इसलिए है कि बिफोर वी कम डाउन टू डिस्कशन अबाउट एनसीएपी वी नीड टू डिस्कस दिस वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में दुनिया की जो एक्सीडेंट डेथ्स होती हैं, जो दुर्घटना में जितने लोग मारे जाते हैं, उनका 10% आर फ्रॉम इंडिया, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स आप भारत में देखें तो इट इज ओनली 1% ऑफ टोटल व्हीकल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये निकलता है कि दुनिया की केवल 1% व्हीकल पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे, मतलब दुनिया भर में जितने व्हीकल्स हैं जितनी गाड़ियां हैं उसका केवल 1% हमारे यहाँ है, पर दुनिया भर में इन एक्सीडेंट में मारे जाने वालों की संख्या उसकी 10 गुना है, 10% हमारे यहाँ पर है। उसका रीजन है बिकॉज द वे वी ड्राइव, वी ऑल नो हाउ वेल वी ड्राइव एंड हाउ वेल वी फॉलो द रूल्स। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दी जी सेफ्टी नॉर्म जो होते हैं ना वो शायद हमारे यहाँ उतने स्ट्रिक्ट अभी तक नहीं रहे हैं, बट दैट थिंग इज गोइंग टू चेंज नाउ। वी आर कमिंग अप विथ एनसीएपी दैट इज भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो 1 अक्टूबर से लॉन्च होगा। तो उसमें अराउंड 30 व्हीकल जो होते हैं उनमें ये जो बेसिकली दिस पर्टिकुलर नॉर्म्स आर गोइंग टू अप्लाइड, यहाँ बोला गया है कि दिस नॉर्म्स आर गोइंग टू बी देयर एप्लीकेबल फॉर व्हीकल्स अप टू 8 सीट्स और 3500 kg तक की जो व्हीकल्स होंगे उनमें नॉर्म्स जो है अप्लाई किए जा रहे हैं, मतलब सून टू बी पब्लिश ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड विल बी अप्लाइड थ्रू भारत एनसीएपी। एंड इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड जो व्हीकल्स के होते हैं, तब एडल्ट एंड चाइल्ड डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड दिस कार सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज,
ऑल दीज आर गोइंग टू बी अप्लाइड, मतलब वर्ल्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब एकदम वर्ल्ड लेवल के ताल्लुक में देखा जाए उस ताल्लुक में दिस सेफ्टी नॉर्म्स आर गोइंग टू अप्लाई थ्रू भारत एनसीएपी इन इंडिया, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़े, सो दिस इज चंद्रयान 3। अब देखिए लास्ट मंथ की अगर एक सबसे बड़ी इवेंट की बात की जाए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंडिया, ओवरऑल भी अगर देखा जाए, तो भारत का जो चंद्रयान मिशन जो 23 अगस्त को लैंड किया था, शाम को 6:01 के आसपास, 6 बज के आसपास जो लैंड किया गया था, सक्सेसफुल लैंडिंग जो उसकी हुई थी चंद्रमा पर, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ लास्ट मंथ, है ना। और ये जो ये जब ये पूरा ट्रांसमिशन चल रहा था तब भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया गया था, 80 मिलियन, सॉरी 80 लाख पीपल, 8 मिलियन पीपल वर वॉचिंग इट ऑन लाइव, 80 लाख लोग लाइव वहां पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देख रहे थे, तो दैट वाज आल्सो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे द्वारा कायम किया गया था, राइट। तो जब हम लोग चंद्रयान 3 की बात करते हैं, सबसे पहले चंद्रयान 1 वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2008, चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड इन 2019, इट वाज अ पार्शियल सक्सेस, या उसको पार्शियल फेलियर बोल सकते हैं, बिकॉज इन लास्ट मोमेंट ड्यूरिंग लैंडिंग इट क्रैश्ड। दिस टाइम वी वेंट फॉर लॉट ऑफ प्रिकॉशन, लॉट ऑफ डिलिब्रेशन एंड आफ्टर लॉट ऑफ अपडेशन, दिस टाइम दिस मिशन व्हिच वाज लॉन्च्ड ऑन 14th ऑफ जुलाई, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, 23 जुलाई को जो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग प्रॉपर वहां पर कराई गई चंद्रमा पर, और दैट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशन, और ये वी बिकेम द ओनली फर्स्ट नेशन, मतलब फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू गेट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल, ओवरऑल वी बिकेम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू गेट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, ओवरऑल दुनिया के चौथे देश और दुनिया का पहला देश जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग करवाई है। इसमें चंद्रयान ऑर्बिटर, लैंडर प्रज्ञान, लैंडर और जो हम लोग बोलते हैं ना, दिस लैंडर एंड रोवर, लैंडर वॉज दिस विक्रम एंड रोवर वॉज प्रज्ञान, ये वहां पर इनके द्वारा सफल एक्सपेरिमेंट भी किए जा चुके हैं। नाउ दिस कंप्लीट मिशन इज ओवरटली सक्सेसफुल, क्लियर सक्सेसफुल मिशन रहा है, इनफैक्ट वी हैव डन दिस मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, तो हियर इन दिस वाज अ सक्सेसफुल मिशन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कलेक्ट द अवेलेबल डेटा ऑन दिस लूनर साउथ पोल, एंड विच वी आर सक्सेसफुल इन कलेक्टिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, एंड इन सिटू एक्सपेरिमेंट जो बोलते हैं, इन सिटू का मतलब होता है जो स्पेसिफिकली उसी जगह पर, इन सिचुएशन जिसको बोला जाए, जगह पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो वो सारे जो 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 हमारे टारगेट थे वो यहाँ पर हमारे द्वारा पूर्ण किए गए, है ना। इन्फॉर्मेशन कुड बी वाइटल फॉर फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशन एंड आर अंडरस्टैंडिंग इट मून फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन, राइट। और इसमें आगे देखा जाए तो दिस पीएम मोदी, व्हेन दिस मिशन वाज, व्हेन दिस मिशन वेंट सक्सेसफुल ऑन 23rd ऑफ अगस्त, बिटवीन 22nd अगस्त एंड 24th अगस्त, पीएम मोदी वाज इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन अ इवेंट जो थी इवेंट ब्रिक्स समिट, तो ब्रिक्स समिट में हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। ड्यूरिंग लैंडिंग ही वाज देयर इन दिस साउथ अफ्रीका ओनली, बट ऑनलाइन जिसको बोलना चाहिए, ही वाज एड्रेसिंग नेशन, और उसके बाद में व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, ही वेंट टू इसरो, और वहां पर इसरो पे वहां जा करके इनके द्वारा जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको विश किया गया था, कॉन्ग्रेचुलेट किया गया था, बधाई दी गई थी, और उसके अलावा उनके द्वारा कुछ अनाउंसमेंट की गई थी। उसमें अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट क्या थी, तो पहला तो ये था कि 23rd अगस्त जो होगा, जिस दिन ये लैंडिंग करवाई गई है, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई, सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई, दैट डे इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व एज नेशनल स्पेस डे, उसे नेशनल स्पेस डे की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा। दूसरा उनके द्वारा बोला गया था, जिस पर्टिकुलर प्लेस पर ये लैंडिंग करवाई गई चंद्रयान 3 की, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, और जिस जगह पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी, अनसक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी, बट दैट प्लेस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज तिरंगा पॉइंट। तो चंद्रयान 2 वाला जो पॉइंट है, दैट वाज टर्म्ड एज तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 3 वाला टर्म्ड एज शिव शक्ति। ये तीन अनाउंसमेंट पीएम मोदी द्वारा की गई थी। पीएम मोदी मेंशन, इंडिया स्पेस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 8 बिलियन टू 16 बिलियन इन कमिंग ईयर्स, है ना। और ये बाकी मैंने आपको बताया कि विजिटेड दिस इसरो इमीडिएटली आफ्टर ही केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आगे देखें तो भारत सरकार द्वारा 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी अनियन पे लगाई गई, मतलब प्याज के जो भाव हैं दे वर इंक्रीजिंग, हमारे देश में प्याज के भाव बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे देश से दूसरे देशों में जो जो प्याज भेजा जाता है, जो अनियन एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज अगर उसका निर्यात ज्यादा किया जाएगा तो इट मे क्रिएट द डेफिशिएंसी, इसको डेफिशिएंसी इन द सेंस इट मे क्रिएट द डेफिसिट, हो सकता है कि उसकी यहाँ जो रिक्वायरमेंट हमारे देश में होती है वो शायद पूरी ना किया जा सके और एक्सपोर्ट हो जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 40% ड्यूटी लगाई गई। हाउ मच, 40% ड्यूटी जो होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी, गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंट की गई थी। द मूव एम्स टू मिटिगेट द एस्केलेटिंग रिटेल अनियन प्राइसेस, अनियन की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, है ना।
और अनियन स्टॉक्स विल बी रिलीज इन होलसेल मार्केट, और गवर्नमेंट द्वारा जो स्टॉक किया जाता है ना, बफर स्टॉक जो होता है, उसे वो होलसेल मार्केट में गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया जा रहा था। मतलब बेसिकली दिस डेवलपमेंट वाज डन, दिस पर्टिकुलर एक्शन वाज टेकन टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ अनियन इन आर लोकल मार्केट, इन आर डोमेस्टिक मार्केट। और उसको जब ये अनाउंसमेंट किया गया इन मंथ, तब से इमीडिएट उसको इफेक्ट में लाया गया है, और इस साल के अंत तक 31 दिसंबर तक दिस 40% ड्यूटी जो लगाई गई ना, दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ अनियन। इसके बाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, दैट इज दिस स्टे वॉज एससी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया गया। मतलब राहुल गांधी द्वारा 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान बोला गया था कि वाई ऑल द थ्यूज ऑफ गॉड दी मोदी समय, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया था। उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में एक केस दाखिल किया गया था इन गुजरात, इन सूरत कोर्ट दाखिल किया गया था। देन द केस वेंट टू गुजरात हाई कोर्ट, और वहां पर दोनों ही केस में, दोनों ही कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के अगेंस्ट में ये पर्टिकुलर 2 साल की सजा सुनाई गई थी। और इसके बाद में उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद की सदस्य थी, वह चली गई थी। अब देन दिस कोर्ट केस द केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनके 2 साल के कन्विक्शन पर रोक लगा दी गई, और ये कहा गया है कि जो सुप्रीम जो गुजरात हाई कोर्ट या कि सूरत कोर्ट द्वारा जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी, दैट वाज नॉट जस्टिफाइड, और इसलिए इनकी सजा जो है उस पर स्टे लगाया जाता है। स्टे लगाया गया, अभी केस क्लोज नहीं हुआ है, और स्टे लगाने के बाद में इनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। तो ऑन 4th of August 2023 सुप्रीम कोर्ट स्टे द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन क्रिमिनल डिफेमेशन केस इन विच ही वाज कन्विक्टेड फॉर 2 इयर्स। डिफेमेशन केस वाज इन कनेक्शन टू मोदी सरनेम विच ही मेड ड्यूरिंग 2019 इलेक्शन रैली, है ना। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि गुजरात ट्रायल कोर्ट, अपार्ट फ्रॉम रिप्रेंडिंग मिस्टर गांधी फॉर हिज एलिज्ड कमेंट, डिड नॉट प्रोवाइड इन रैशनल फॉर इम्पोजिंग दी हार्शेस्ट सेंटेंस ऑफ टू ईयर्स अगेंस्ट हिम, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि अगर एक दिन भी कम होता तो इनकी सदस्यता ना जाती। बस स्पेसिफिकली 2 साल की दिस कन्विक्शन को दिया गया था, जो अनजस्टिफाइड रहा है। राइट, एम्फेसाइज दैट मिनिस्टर चूज टू गिव मिस्टर गांधी द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट इवन वेन द पिनल कोड प्रोवाइडेड ऑप्शन बिटवीन इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ, है ना। सो दोनों का उनके पास में ऑप्शन था, बट उनको सजा सुनाई गई है, तो दैट वे उस सजा को रोक लगाई गई। एंड राहुल गांधी की जो सदस्यता होती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी सीट होती है, उसको रीइंस्टेट किया गया था। देन पीएम मोदी लॉन्चेस 24,470 करोड़ अमृत भारत स्टेशन स्कीम, है ना। अमृत भारत स्टेशन स्कीम मतलब पीएम मोदी द्वारा हमारे देश के जो स्टेशन हैं उनको रिनोवेट करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई, जिसके अंतर्गत इनिशियल फेज में 508 रेलवे स्टेशन जो है उनके द्वारा उसमें कार्य स्थापित, मतलब खोलना चाहिए, इनॉग्रेट किया गया, रिडेवलपमेंट काम जो है वो इनिशिएट करवाया गया। तो इट इज पीएम अमृत भारत स्टेशन स्कीम एट द कॉस्ट ऑफ 24,470 करोड़ रुपीज। मेजर डेवलपमेंट विल बी इन उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, उनको पीएम द्वारा कुछ समय पहले उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अब इसमें होगा ये कि जो हमारे रेलवे स्टेशन होते हैं वो बिल्कुल इसको स्टेट ऑफ आर्ट रेलवे स्टेशन आर गोइंग टू बी क्रिएटेड इन आर नेशन। दे विल हैव बेटर सिटिंग, एडवांस वेटिंग रूम, कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई सर्विसेज, लाइक टिपिकल जिसको मॉल जैसा कहा जाता है ना, तो बड़े भव्य से रेलवे स्टेशन जो है हमारे यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे तो दिस पर्टिकुलर स्कीम, है ना। और इसके अलावा उनका जो दूसरी बातें की जाए, तो यहाँ पर लाइन डबलिंग, गॉज कन्वर्जन, इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्विंग न्यू रूट स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करते हैं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी तक हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस और कई जगह उसको अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके ताल्लुक में इशू देखा जाए तो सेफ्टी इशू, सिक्योरिटी इशू उसमें होते हैं, जो कि कई सारे हम लोग अटैक्स वगैरह देखते हैं, साइबर अटैक्स के ताल्लुक में देखें तो स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट डिफेंस सिस्टम और डिफेंस इसको बोलना चाहिए मिनिस्ट्री की बात करें, तो वहां पर इन इश्यूज से निजात पाने के लिए टू प्रोवाइड बेटर साइबर सिक्योरिटी, राइट, एक माया ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित किया गया है बाय डीआरडीओ, सीडेक एंड नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी जिसको कहा जाता है। सो माया ओएस एन इंडिजनसली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेट टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन डिफेंस इंडस्ट्री। इसकी शुरुआत कर दी गई है 15th of August से, एंड धीरे धीरे करके पूरा जो ओवरऑल डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी होती है वहां पर ये परिवर्तन लाया जाएगा, जहां पर विंडोज के स्थान पर माया ऑपरेटिंग सिस्टम, माया ओएस जिसको कहा जाता है, दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब ये माया ओएस जो बेसिकली ये उबुंटू पर बना हुआ है,
बिल्ट ऑन उबुंटू, अ पॉपुलर लाइनक्स, लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका वर्जन उबुंटू जो होता है उस पर इसको एक तरीके से स्थापित किया गया है। एंड दिस डेवलपमेंट बिगेन इन 2021 रिस्पॉन्स टू इंक्रीज साइबर अटैक। वहां से कहा ना कि देखिए कुछ हमारे जो इंस्टीट्यूट है दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो वहां पर अगर साइबर अटैक इससे हम लोग इस तरीके से एक्सपोज होते हैं तो दैट कैन बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द कंट्री। तो फिर यहाँ पर इन तीन के द्वारा हमारा एक माया ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिजनस जो हमारे द्वारा स्थापित किया गया है वो लाया जा रहा है, और उन्हें हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से मतलब कुछ डिपार्टमेंट शुरुआत की जा रही है साउथ ब्लॉक से, एंड मे बी इंप्लीमेंटेड इन टाइम टू कम इन ऑल दी डिफेंस, ऑल द आर्मी नेवी एयरफोर्स में आगे जाकर इसको अडॉप्ट किया जाएगा। एंड दिस सिस्टम इज अगेन एज गुड एज इसको विंडोज की बात की जाए तो यूजर फ्रेंडली है, लाइक विंडोज कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल सपोर्ट यहाँ प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा देर इज वन दिस चक्रव्यूह उसमें दिया, चक्रव्यूह इज अनदर, इट इज लाइक वन इंपॉर्टेंट सिस्टम जो कि एंटीवायरस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डिजिटल सिग्नेचर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्लाउड स्टोरेज, फुल डिस्क इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, चक्रव्यूह, द मैलवेयर प्रोटेक्शन सिस्टम इज बीइंग ऑपरेटेड, इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन दिस माया ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज गोइंग टू बी अडॉप्टेड बाय ऑल द थ्री डिविजन्स ऑफ आवर मिलिट्री। फिर केरला असेंबली ने अभी कुछ समय पहले वन एक नोटिफिकेशन जारी, एक रिजोल्यूशन उनके द्वारा निकाला गया, रिजोल्यूशन में बोला गया है केरला का जो नाम है वह चेंज करके केरलम किया जाएगा, और उनके द्वारा रेजोल्यूशन को गवर्नमेंट को भेजा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया है फॉर अडॉप्टिंग इट एंड गेटिंग द चेंजेस डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मलयालम में केरला जो होता है जो स्टेट है उसे केरलम ही कहा जाता है। तो लिंग्विस्टिक एक तरीके से इंपॉर्टेंस के ताल्लुक में देखा जाए तो केरला असेंबली यूनानिमसली अप्रूव्ड रेजोल्यूशन टू रिनेम द स्टेट एज केरलम इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दे हैव अप्रूव्ड द रेजोल्यूशन, मतलब रेजोल्यूशन लेकर के आए वो यूनानिमसली स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मतलब जो अपोजिशन एंड गवर्नमेंट उनके द्वारा इसको अप्रूव किया गया, उसके बाद में इसे भेजा गया है फॉर दी अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। द डिमांड फॉर यूनिफाइड केरला फॉर मलयालम स्पीकिंग कम्युनिटीज डेट बैक टू फ्रीडम मूवमेंट, तब से इसकी बात की जा रही थी, अब जाके इसको इंप्लीमेंट वहां पर किया जा रहा है। इसके बाद देखें तो अवार्ड सेक्शन में हम आते हैं, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर वॉज गिवन टू पीएम मोदी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, है ना। व्हेन पीएम मोदी वेंट टू साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के बाद में ही वेंट टू ग्रीस, एंड ही आफ्टर 40 इयर्स आफ्टर 1983, 1983 वाज द लास्ट टाइम व्हेन एनी इंडियन पीएम हैड गॉन टू ग्रीस, मतलब मिसेस इंदिरा गांधी के बाद में 40 साल बाद ग्रीस जो है देश उनकी यात्रा पर पीएम मोदी गए, मतलब वो विजिट करा उन्होंने वहां पर। तो वहां की प्रेसिडेंट द्वारा, वहां की जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा पीएम मोदी को उनका सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर जो होता है वह दिया गया, एंड ही वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू बी बिस्टोर्ड बिस्टोर्ड अपॉन विद दिस डिस्टिंक्शन, है ना। तो उनके प्रेसिडेंशियल मेंशन में उनके प्रेसिडेंट द्वारा पीएम मोदी को दिस ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रीस बाय ग्रीस जो है वो दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग अवार्ड की बात करें तो एक अवार्ड होता है रेमोन मैक्सेसे अवार्ड। रेमोन मैक्सेसे अवार्ड की शुरुआत 1958 में की गई थी, है ना। आचार्य विनोबा भावे वॉज आर फर्स्ट, मतलब वॉज फर्स्ट अमंग द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ दिस अवार्ड, है ना। और अब इस साल के अवार्ड में देखें तो हमारे देश के डॉक्टर रवि कानन जो ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है ट्यूमर जो होते हैं उनके जो इलाज करते हैं, तो ही इज ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ही इज बेसिकली फ्रॉम चेन्नई बट इज लिविंग इन आसाम, और आसाम में एक दिस हॉस्पिटल काशार कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो होता है वहां पर ही इज वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, और वहां पर ही हैज डन लॉट ऑफ ग्रेट वर्क इन टर्म्स ऑफ दी कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इनके द्वारा काम किया गया है। तो अंडर इज गाइडेंस सीसीएचआरसी दैट इज काशार कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर इज इवॉल्व्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी ऑफरिंग टॉप नॉच कैंसर केयर सर्विसेज टू इवन पीपल हु कांट अफोर्ड जिसको बोलना चाहिए ट्रीटमेंट, उनको भी इनके द्वारा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। ही इज प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट, फ्री लॉजिंग एंड इवन जॉब फैसिलिटीज फॉर द केयर गिवर्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ दिस कैंसर हॉस्पिटल, इज डीपली कमिटेड इन रेजिंग कैंसर अवेयरनेस एंड डिस्पेलिंग मिथ्स एंड रिलेटेड डिजीज। इस पर्टिकुलर कॉज के ताल्लुक में उन्हें इस बार का रेमोन मैक्सेस अवार्ड जो है वो उससे नवाजा जा रहा है। तो आचार्य विनोबा इज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द अवार्ड, उसके बाद में कई सारे इंडियंस को दिया जा चुका है, मतलब उसमें दिस अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, एंड सो मेनी इंडिविजुअल्स आर देयर जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। सत्यजीत रे को भी अवार्ड दिया गया था, किरण बेदी रिसीव्ड दिस अवार्ड। तो मेनी इंडियंस वर देयर एंड नाउ उस कड़ी में डॉक्टर रवि कानन जुड़ गए हैं एंड ही इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट। आगे बात करें तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो 2018 में हमारे आरबीआई गवर्नर बने थे, है ना, उनको एक मैगजीन होती है ग्लोब फाइनेंस इज वन पब्लिकेशन, उनके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। उस रिपोर्ट में
he was given A plus rating. So Shaktikant Das, the governor of RBI, has been awarded it A plus rating. मतलब इसमें तीन रेटिंग इसके अंदर दी जाती है. सबसे बेहतर रेटिंग जो A प्लस रेटिंग होती है वो उनको दी गई है. द रेटिंग इज पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड फॉर ईयर 2023. अभी कुछ समय पहले ही वाज गिवन द बेस्ट आरबीआई जो गवर्नर होते सेंट्रल बैंक गवर्नर का अवार्ड उनको दिया गया था. इस बार उनको A प्लस रेटिंग जो है उससे नवाजा गया है. राइट. सो द रिपोर्ट कार्ड इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल बैंक गवर्नर फ्रॉम 101 सिग्निफिकेंट कंट्रीज 30 एंड डिस्ट्रिक्ट एंड ही वाज चूजन टू बी गिवन A प्लस रेटिंग बाय दिस ग्लोब फाइनेंस मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन. फिर आता है 25th राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड. दिस टाइम अराउंड बनस्थली विद्यापीठ वॉज गिवन दिस 25th राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड इनको इस बार दिया गया. राइट. और दिस अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन 1992 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट है ना. भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं सालगिरह पर इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी. एंड दिस टाइम दिस अवार्ड इज बीन गिवन टू बनस्थली विद्यापीठ ऑन सद्भावना दिवस जो कि 20 अगस्त होता है उस दिन अवार्ड दिया गया था. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया आर 31% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल इन दिस अर्बन इंडिया है ना. एंड 63% ऑफ आवर जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन दी सिटीज ओनली. सो विद द चेंज इन टाइम वी नीड मोर बेटर स्मार्ट सिटीज. तो उस ताल्लुक में 2015 में नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन जो लॉन्च किया गया था. 2015 जून स्मार्ट सिटी मिशन वॉज लॉन्च इन आर नेशन. उस ताल्लुक में अवार्ड दिए जाते हैं स्मार्ट सिटीज अवार्ड जो दिए जाते हैं उसमें इस बार द नंबर वन सिटी जो जो अवार्ड दिया गया बेस्ट सिटी अवार्ड वाज गिवन टू इंदौर एंड बेस्ट स्टेट अवार्ड वाज गिवन टू मध्य प्रदेश. इंदौर इज आल्सो टर्म्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन आवर नेशन. इंदौर इज आल्सो बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन के बाल तरम बात की जाए तो इंदौर जो है वो देश का सबसे बेहतरीन मतलब सबसे कम एयर पॉल्यूशन भारत में इंदौर में होता है. इंदौर इज ऑल्सो बिन गिवन दी अवार्ड फॉर द क्लीनेस्ट सॉरी द स्मार्टेस्ट सिटी है ना. क्लीनेस्ट सिटी तो ही स्मार्ट सिटी का अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया. द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री अवार्डेड इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022. द बेस्ट सिटी वॉज गिवन टू इंदौर एंड द बेस्ट स्टेट वॉज गिवन टू मध्य प्रदेश. सिटीज में इट वॉज फॉलोड बाई सूरत एंड आगरा मतलब इंदौर सूरत आगरा. इसके बाद में स्टेट में इट वॉज फॉलोड बाई तमिलनाडु एंड राजस्थान प्लस यूपी. तो एमपी तमिलनाडु राजस्थान यूपी बेस्ट स्टेट एंड इंदौर सूरत एंड आगरा बेस्ट सिटीज इन आर नेशन एज पर ISSAC अवार्ड 2022. आगे बढ़े तो ब्रिक्स समिट. आई टोल्ड यू ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका फ्रॉम 22nd अगस्त टू 24th ऑफ अगस्त. और ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स जो पांच देश हम बात करें तो ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका आर दी फाइव नेशंस हु आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट ब्रिक्स जो ओवरऑल ग्रुप की बात करते हैं तो एक ग्लोबल साउथ को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ये जो नॉन यूरोपियन अमेरिकन जो ग्रुप्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है. राइट. सो दिस ग्रुप वेंट ऑन टू एक्सपांड इज होराइजन एंड नाउ इन टाइम टू कम बाय नेक्स्ट ईयर ओवरऑल 11 मेंबर्स आर गोइंग टू पार्ट ऑफ ब्रिक्स. मतलब इस समिट जो हुई है उस समिट में ब्रिक्स समिट जो अभी संपन्न हुई है ब्राजील सॉरी दिस साउथ अफ्रीका में उस समिट में नंबर ऑफ कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड टू 11 नाउ है ना. तो 15 ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग. पांच देशों द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया बारिंग दी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ऑल दी प्रेसिडेंट ऑफ अदर नेशन जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी होते हैं. जी जिनपिंग की बात की जाए जो चाइना के प्रेसिडेंट है लुला दा सिल्वा जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट है एंड सरिल रामफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट और होस्ट भी थे. इनके द्वारा इस समिट में शिरकत की गई थी. दिस पुतिन कुड नॉट कम इन द समिट बिकॉज उनके अगेंस्ट में एक वारंट जारी किया गया है और वारंट जो होता है वो बेसिकली उस ताल्लुक में इट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर साउथ अफ्रीका. तो उन्होंने इस समिट में फिजिकली ही वाज नॉट प्रेजेंट वर्चुअली ही वाज प्रेजेंट इन द समिट मतलब उनके द्वारा वर्चुअल पार्टिसिपेशन जो है वो किया गया था ऑनलाइन ही वाज पार्ट ऑफ द समिट है ना. अब दिस समिट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये COVID-19 के बाद में पहली इन पर्सन समिट थी. ये ऑनलाइन समिट नहीं थी जैसे कि इसके पहले कई बार हुई है. इट वॉज फर्स्ट इन पर्सन समिट आफ्टर COVID-19 है ना. सिंस 2019 की बात करें उसके बाद में पहली बार समिट जो है कराई गई थी. होस्टेड बाय सिरिल रामफोसा प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड पीएम मोदी जी जिनपिंग लुला दा सिल्वा एंड व्लादिमीर पुतिन ना होकर उनकी जगह वहां के डिफेंस मिनिस्टर सर्जी लेवरो जो होते हैं इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया. द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इवेंट वॉज द रिजल्ट जो निकलता है देखें तो 6 न्यू कंट्रीज बिकेम पार्ट ऑफ द ब्रिक्स. राइट. तो जो 6 नए देशों की बात करें तो वहां पर इजिप्ट इथियोपिया राइट उसके बाद में इट इज अर्जेंटीना ईरान सऊदी अरेबिया इजिप्ट एंड यूएई दे बिकेम पार्ट ऑफ द ब्रिक्स. मतलब ये जो 6 देश हैं ये इसके मेंबर बने हैं और 2024 से दे आर गोइंग टू बी 11 कंट्रीज विल बी पार्ट ऑफ द ब्रिक्स. मे बी नाम शायद इसका चेंज हो जाए आगे जाकर के. मे बी इन टाइम टू कम द ब्रिक्स विल बिकम न्यू ब्रिक्स या उसको दूसरा नाम दे दिया जाए.
But now the countries are 11 in this group, and this will be applicable from 1st of January 2024, है ना? पीएम मोदी डिस्कस बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना। अब इसमें जो हमारे भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जो 2020 से ही चल रहा है, उस ताल्लुक में कुछ हद तक इस मीटिंग में बात की गई थी, है ना? एंड दोनों देशों द्वारा अपने अपने जो रिलेटेड ऑफिसर्स थे उनको यहाँ पर, मतलब उनको यहाँ पर प्रेस किया गया था टू रिजोल्व द डीप अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ द इशू, राइट? फिर बात को इसको रिफ्यूट किया गया था चाइना द्वारा एक तरीके से, बट देन उस समय कुछ हद तक इसमें बारे में बात की गई थी। देन आगे की न्यूज में देखते हैं तो एक न्यूज होती है जिसमें लाइव वॉर्म फाउंड इन ऑस्ट्रेलियाज वुमेन्स ब्रेन। दिस लेडी इन ऑस्ट्रेलिया वेंट फॉर अ ट्रीटमेंट एंड इट वॉज फाउंड दैट देर वॉज दिस लाइव वॉर्म प्रेजेंट इन द ब्रेन ऑफ दिस लेडी, और उसके कारण पे शी वॉज सफरिंग फ्रॉम वेरियस मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, अदर इश्यूज शी वॉज सफरिंग, है ना? तो यूनिक मेडिकल डिस्कवरी वॉज मेड मैंने 8 सेंटीमीटर लाइव वॉर्म वॉज फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ब्रेन ड्यूरिंग अ सर्जरी, है ना? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में वहां सर्जरी की गई थी, वहां पर 64 ईयर्स वुमेन्स फ्रंटल दिस ओवरऑल इसको बना चाहिए ब्रेन में 1 या 8 सेंटीमीटर लाइव वॉर्म पाया गया था। दिस वॉज वन न्यूज। टॉकिंग अबाउट फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट टॉक्स अबाउट दी टॉप 500 कंपनीज इन द वर्ल्ड। अब टॉप 500 कंपनीज में द नंबर वन कंपनी इन द वर्ल्ड इज वॉलमार्ट, है ना? तो वॉलमार्ट फॉलोड बाय सऊदी अरामको अदर टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। हमारे देश में अगर हम लोग टॉप इंडियन कंपनी इन फॉर्च्यून 500 लिस्ट बोले तो रिलायंस इज एट रैंक ऑफ 88, जो कि पिछली बार के मुकाबले इट हैज बीन बेटर्ड बाय अराउंड 16 स्पॉट्स। मतलब लास्ट ईयर द रैंक ऑफ रिलायंस वाज 104, दिस ईयर इट इज 88, लास्ट लास्ट ईयर द रैंक वाज 155, है ना? और रिलायंस इज द ओनली कंपनी इन इंडिया जो कि पिछले 20 साल से लगातार इट इज पार्ट ऑफ फॉर्च्यून 500 लिस्ट, राइट? एंड दिस टाइम इट हैज गॉट अ रैंक ऑफ 88, व्हिच इज बेस्ट एवर रैंक रिलायंस हैज एवर गॉट, राइट? रिलायंस इज फॉलोड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विद 94th रैंक, फॉलोड बाय LIC एट 107, फॉलोड बाय ONGC एट 158, फॉलोड बाय BPCL एट 233, SBI एट 235, टाटा मोटर्स एट 337 एंड फाइनली राजेश एक्सपोर्ट्स एट 353। तो दीज मेनी इंडियन कंपनीज आर पार्ट ऑफ फॉर्च्यून 500 लिस्ट जो कि फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा लिस्ट की जाती है। इसके बाद आगे बढ़े तो नाविक रिप्लेसेस GPS इन आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस। देखिए GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जो सर्विस है जो हमारे द्वारा यूज किया जाता है, बट दैट इज बेसिकली एन अमेरिकन सिस्टम, राइट? जिसका जिसका जब हम लोग 1999 में कारगिल वॉर लड़ रहे थे उस समय व्हेन वी वांटेड टू यूज दिस सिस्टम, उस समय US द्वारा मना कर दिया गया था। तो फिर हमारे द्वारा अपना एक सिस्टम लाने का प्रयास किया गया एंड दैट सिस्टम इज नाविक, दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। अब नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन इज द सिस्टम विच इज इवन बेटर देन GPS, जहां GPS इज लाइक ग्लोबल सिस्टम बट दिस नाविक इज इंडियन सिस्टम विच इज एप्लीकेबल टिल 1500 किलोमीटर्स ऑफ इंडियाज बॉर्डर, और ये GPS से भी बेहतर है। और अभी तक जो हमारे आधार सर्विसेज होती हैं उन आधार सर्विसेज में GPS का इस्तेमाल किया जाता था। विद द हेल्प ऑफ GPS दिस सर्विसेज जो हमारे जो इशू किए जाते हैं दैट यूज टू बी डन। अब वहां पर GPS को रिप्लेस किया जा रहा है बाय आधार। तो इंडियन दिस नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम इज अ रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कवरिंग इंडियन रीजन विद 1500 किलोमीटर सराउंडिंग एंड दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेसमेंट ऑफ US बेस्ड GPS इन आर आधार सिस्टम। आधार इज अ 12 डिजिट आइडेंटिफाई नंबर भी हमने देखा हुआ है, और उसको ड्राइव करने के लिए बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उस इंफॉर्मेशन को नाउ इट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द नाविक द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आगे बढ़े तो इंडियाज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन कंप्यूटर्स। कुछ समय पहले इंडियन गवर्नमेंट वेंट ऑन टू डिक्लेयर दैट ऑल दी कम इन मतलब नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द इंपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, PCs, लैपटॉप्स एंड दिस गैजेट्स दैट इज गोइंग टू बी डन थ्रू अ लाइसेंसिंग प्रोसेस। मतलब कि जो हम दूसरे देशों से अभी इंपोर्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस में परिवर्तन किया जा रहा है और उसे इमीडिएट इफेक्ट से अप्लाई किया गया है। तो उसके दो रीजन देखे गए कि हमारे यहाँ पर जो जो इसको बोलना चाहिए हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री है दैट इज नॉट ग्रो, मतलब उसमें उसकी ग्रोथ को बेहतर किया जाए, और दूसरा जो हमारा सिक्योरिटी होती है जो साइबर सिक्योरिटी या ओवरऑल हम लोग हम ये मानिए कि जब हम वी आर इम्पोर्टिंग आर गुड्स फ्रॉम चाइना इन दीज कंट्रीज तो देर में भी सिक्योरिटी इशूज इन दैट रिगार्ड मे बी स्पाइंग एंड एनी अदर इशूज कैन बी देयर। तो उस सिक्योरिटी इशूज के ताल्लुक में एंड बेसिकली जिसको बोलना चाहिए सिक्योरिटी कंसर्न्स के ताल्लुक में और फॉर प्रमोटिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट वेंट फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ PCs, लैपटॉप्स एंड गैजेट्स। इमेज इफेक्ट्स बोला गया
But because of lot of these products were in transit, they were at ports and they were being transferred from other countries to India, उस पर्टिकुलर इमेज इफेक्ट वाले बैन को पोस्टपोन कर दिया गया है टिल 1 नवंबर, 1 नवंबर तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया। उसका रीजन वही दिया गया है कि अगर इमीजिएट उसको अप्लाई किया जाए तो दे में भी पोटेंशियल शॉर्टेज इन आर नेशन, दे में प्राइस हाइक्स एकदम बढ़ जाएंगी और उसका जो ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री वगैरह पे प्रभाव पड़ेगा वो अलग। तो उसको थोड़ा सा बेहतर किया गया, यू टर्न लिया गया एक तरीके से गवर्नमेंट द्वारा, और 1 नवंबर तक के लिए ये जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन कंप्यूटर्स पर होता है उस पर रोक लगाई गई है। बट नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द इम्पोर्ट्स ऑफ दीज गुड्स आर गोइंग टू बी गवर्न थ्रू लाइसेंस, लाइसेंस के थ्रू इसको गवर्न किया जाएगा। उसका शायद भला ये होने वाला है कि आर ओवरऑल डोमेस्टिक इंडस्ट्री में गेट अ बूस्ट इन दिस रिगार्ड, उसमें इसमें फर्क मतलब उस ताल्लुक में यहाँ पर फर्क आ सकता है, राइट? सो बाय डेफरिंग रिस्ट्रिक्शन एंड प्रॉमिसिंग स्विफ्ट लाइसेंसिंग अप्रूवल, गवर्नमेंट इज अटेम्प्ट टू मिटिगेट सम ऑफ इमीडिएट कंसर्न, बट अनसर्टेनिटी स्टिल रिमेन्स इन दिस रिगार्ड, राइट? फिर आगे बोला गया स्पोर्ट्स न्यूज में, डी कुकेश वेंट ऑन टू बिकम द नंबर 1 चेस प्लेयर इन आर नेशन, है ना? अब डी कुकेश जो है वो हमारे देश के नंबर 1 चेस प्लेयर बने हैं। 1986 में इट वाज विश्वनाथन आनंद हु वेंट ऑन टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर इन चेस इन इंडिया, और 1986 से लेकर लगातार 37 वर्षों तक, बारिंग ओनली वन ओकेजन, बीच में केवल 2016 का एक ओकेजन छोड़ दीजिए, तब से लेकर 37 वर्षों से लगातार विश्वनाथन आनंद इज नंबर 1 इंडियन प्लेयर इन चेस। अब उस पर्टिकुलर उनके रिकॉर्ड को उन्हीं के एक जिनको बोलना चाहिए दिस डी गुकेश के मेंटर हैं विश्वनाथन आनंद, है ना? तो डी गुकेश जो है ओनली 17 इयर्स ओल्ड एंड ही हैज बिकम द नंबर 1 इंडियन प्लेयर, नंबर 1 इंडियन चेस प्लेयर रिसेंटली, राइट? और कब हुए हैं? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, सॉरी वर्ल्ड कप, चेस वर्ल्ड कप जो है बाकू अजरबैजान में भी कुछ समय पहले संपन्न हुआ है, तो वहां पर उनके द्वारा जो गेम जीते गए उस तालुक में जो रेटिंग आती है वर्ल्ड दिस फिडे की रेटिंग जिसको कहते हैं, उस रेटिंग में ही हैज बिकम द नंबर 1 चेस प्लेयर इन नेशन, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड, मतलब ओवरऑल जो कंटिन्यूटी में 37 सालों से ही वॉज नंबर 1 और दिस विश्वनाथन आनंद, उनको पीछे करते हुए डी कुकेश जो है वो नंबर 1 प्लेयर वहां पर बने हैं। आगे देखें तो इसी से रिलेटेड हम देखें तो जो वर्ल्ड कप बाकू अजरबैजान में हुआ था उस वर्ल्ड कप को मैग्नस कार्लसन, है ना, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने उनके द्वारा जीता गया। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में आर इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनेंद्रा ही वाज देयर एंड ही प्लेड फाइनल, जो बोलना चाहिए वो टफ फाइनल जिसको कह सकते हैं, प्ले खेला गया उनके द्वारा, बट अल्टीमेटली ही कुड नॉट डिफीट मैग्नस कार्लसन इन द फाइनल राउंड जिसको बोल सकते हैं। तो मैग्नस कार्लसन वेंट ऑन टू विन द फिडे वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। अब फिडे वर्ल्ड कप वॉज मतलब दिस वर्ल्ड कप वॉज द ओनली ट्रॉफी विच वॉज मिसिंग, है ना, फ्रॉम हिज कैबिनेट, तो ये केवल एक ट्रॉफी बची थी। तो मैग्नस कार्लसन वॉन फिडे वर्ल्ड कप, डिफिटेड इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनेंद्रा इन ए क्लोजली फॉट फाइनल, है ना, और कार्लसन एंटर टूर्नामेंट एट टॉप सीड एंड मेट एक्सपेक्टेशन बाय विनिंग ऑल द मैचेस ओनली फ्यू एक्सेप्शन वन ड्रॉ विच ही प्लेड अगेंस्ट आर प्रगनेंद्रा, है ना। तो उनको हरा करके फाइनली कार्लसन हैज वॉन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप जो केवल एक बचा हुआ टाइटल था, ओनली मेजर इंडिविजुअल टाइटल ही कुड नॉट ही डिड नॉट विन, है ना। सो इनके द्वारा 2013 में विश्वनाथन आनंद को हरा करके अपनी सक्सेस की शुरुआत की गई थी। अल्टीमेटली ही बिकम द वर्ल्ड चैंपियन एंड देन वेंट ऑन टू विन द फिडे वर्ल्ड कप एट द सेम टाइम, है ना। इसके बाद में तो लास्ट हमारी न्यूज होती है, इट इज रिलेटेड टू दिस गर्ल अदानी, सॉरी अदिति स्वामी, शी बिकम द यंगेस्ट एवर सीनियर वर्ल्ड चैंपियन इन आर्चरी। तो इनके द्वारा 6 महीने में 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब 2 बार शी बिकम वर्ल्ड चैंपियन। पहला तो अंडर 18 में शी वेंट ऑन टू विन अंडर 18 यूथ चैंपियनशिप इन आयरलैंड इन जुलाई, एंड नाउ शी इज बिकम वर्ल्ड चैंपियन, दिस यंगेस्ट एवर सीनियर वर्ल्ड चैंपियन एट द एज ऑफ 17 ईयर्स, जब इनके द्वारा अभी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता गया। तो अदिति स्वामी वेंट ऑन टू बिकम द यंगेस्ट एवर सीनियर वर्ल्ड चैंपियन इन एनी रिगार्ड, मतलब हमारे देश में देखा जाए तो नाउ फर्स्ट इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियन आर्चरी फ्रॉम इंडिया अक्रॉस एनी डिसिप्लिन और जेंडर, मतलब मेल फीमेल दोनों ग्रुप में देखा जाए तो शी इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम अ नेशन, राइट? सो इट वॉज अदिति स्वामी। सो दीज आर द न्यूज फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2023 की इंपॉर्टेंट न्यूज हमने डिस्कस की है, वो न्यूज जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। विद दिस वी कंक्लूड आर टुडेज डिस्कशन, वी आर गोइंग टू मीट अगेन फॉर नेक्स्ट मंथ राउंड अप। थैंक यू वेरी मच।